नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर बन रहे सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल का निर्माण कार्य 2014 से प्रगति पर था, जो आज पहले सुबह लगभग 3:26 पर क्षतिग्रस्त हो गया। बताते चले कि सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल का निर्माण कार्य SP सिंगला कंपनी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, जो कि 1700 करोड़ की लागत से बनना है, लेकिन बीच में ही पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सिंगला कंपनी के द्वारा किए जा रहे पुल निर्माण की पोल खोलती नजर आ रही है ये घटना। वहीं घटना स्थल पर स्थायी विधायक ललित नारायण मंडल, अंचलाधिकारी शंभु शरण राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि पवन केशान घटना की निरीक्षण करने पहुंचे। स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल ने बताया कि वो एक जांच की विषय है, पुल कंपनी के द्वारा जांच तो होगी ही, लेकिन उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाता है, तब तक पुल निर्माण का कार्य बंद रहेगा। सुल्तानगंज से इस वक्त की बड़ी खबर R9 भारत के साथ आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुल्तानगंज में जो ये गंगा पुल का निर्माण SP सिंगला कंपनी के द्वारा कराई जा रही थी, और ये 1700 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होना था, और बीच में ही ये पुल जो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान और यहाँ अंचलाधिकारी शंभु शरण राय, BDO मनोज कुमार मुर्मू भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये पुल जो क्षतिग्रस्त हुई है तो इस पर उनकी क्या कार्रवाई रहेगी, बताइए क्या कार्रवाई रहेगी सर? इसमें तो पहली कार्रवाई है कि हमने CM साहब को इन्फॉर्म कर दिया जी, और DM साहब को भी इन्फॉर्म किया है, और CM साहब से बात करके पूरे पुल का जांच करवाएंगे। हमको शक है कि और भी दूसरे पिलर के बगल में कुछ गड़बड़ी है, क्या पता नहीं, इसलिए जब तक पूरा जांच नहीं होगा तब तक काम यहाँ पर नहीं होगा, और उच्च स्तरीय जाँच होगा जी। पुल निगम के थ्रू तो जांच होगा ही, हम लोग भी सरकारी तंत्र से जांच करवाएंगे इसका। तो बहुत अनर्थ हुआ है, सुल्तानगंज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का ऐसी योजना थी कि हम लोग सोच रहे थे कि अब निकट 6 महीने के बाद इसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री से बात होती थी तो कहते थे कि हम लोग बहुत जल्दी उद्घाटन करेंगे, तो ये तो अनर्थ हुआ है। जो भी दोषी होगा उसको हम लोग सजा दिलाएंगे, चाहे वो कोई हो। माननीय विधायक जी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, हम BDO साहब विधि व्यवस्था संधारण के लिए हैं, जिला प्रशासन तक बात है जांच करने से। हमारे साथ यहां पर पवन किसान सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या कार्रवाई रहेगी आगे की, बताओ। हमने इस विषय को तुरंत ही जो है माननीय सांसद महोदय के संज्ञान में दिया है, और उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया है कि सुल्तानगंज अगवानी घाट का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था अब इस घटना के बाद लेट हो जाएगा, और साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है सुल्तानगंज की जनता को कि इस जो घटना हुई है इसमें जो भी दोषी लोग हैं वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। सरकार का सीधा निर्देश है कि जो भी भ्रष्टाचार या गलत कार्य करेगा उसको सजा मिल के रहेगी, इसलिए माननीय सांसद महोदय इस बात के लेके प्रयासरत हो गए हैं कि इस पर जल्द से जल्द जांच हो करके जो भी दोषी लोग हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पुल में जो अब देर होना है उसमें कम से कम देरी हो के पुल जल्द से जल्द निर्माण हो, और लोगों को इस पुल की सौगात जल्द से है उसमें कम से कम देरी हो के पुल जल्द से जल्द निर्माण हो और लोगों को इस पुल की सौगात जल्द से जल्द प्राप्त हो, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर और भी ग्रामीण सभी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या इस पर राय है, बताएंगे कुछ बताएंगे जी। जी, इस तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो मटेरियल है इसमें लगभग जो है बालू के जगह मिट्टी मिला हुआ है, क्योंकि छल जिस तरह से छोड़ दिया गया है इस तरह से देखने में तो पूरी तरह से लग रहा है कि ये मटेरियल का पूरा तरह से जो है इसमें दुरुपयोग किया गया है। इसलिए सरकार से भी अनुरोध है कि इस पर जांच किया जाए,
और दूसरी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपने ग्रामीणों से भी सुना कि ये जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है, जिस कारण से कि ऐसी क्षति हो रही है, क्षति हुई है, पुल की क्षति हुई है। और ये 1700 करोड़ की लागत से बनना था पुल, और ये पुल क्षतिग्रस्त होने पर ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको जो ये थी कि ये खुशी थी कि इधर से गंगा के उस पार जाने में सुविधा होगी, वो अब देर हो जाएगी। R9 भारत के साथ अतुल भारती सुल्तानगंज। अतुल भारती सुल्तानगंज, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।